तो क्या फ्रेंड्स, आप भी अपने YouTube चैनल के वीडियो के लिए आप इंस्टा एनिमेशन बनाना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार का एनिमेशन, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप इंस्टा एनिमेशन को क्रिएट कर पाएंगे और कैसे आप वीडियो में लगा पाएंगे, और बिल्कुल ईजिली तरीके से आपको बताऊँगा कि क्रिएट कैसे करना, कैसे इसको बनाना है, वो भी आपके काइंड मास्टर में बिल्कुल आसानी तरीके से। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं मनीष कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, Instagram एनिमेशन बनाने के लिए आपको काइंड मास्टर का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं काइंड मास्टर को ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके मोबाइल में काइंड मास्टर नहीं हो तो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली आपको मिल जाएगा काइंड मास्टर प्ले स्टोर में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसी साइज को रखना और इस पर क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक पेज लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे पेज पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, और एक वाइट पेज मैंने ले लिया, वाइट पेज लेना है आपको। लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कलर पे क्लिक करना है। यहाँ पे कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्रीन कर देना है, इसको ग्रीन कर दिया मैंने कर। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लोगो लाना होगा इंस्टाग्राम का, ठीक है, जो आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने गूगल से, ठीक है। यहाँ से मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ और मीडिया पे क्लिक करता हूँ, और मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम का इस लोगो को जिस फाइल में, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, और इसको मैं अपने अनुसार साइज को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। रखने के बाद मैं इसमें एक एनिमेशन लगा देता हूँ, इन एनिमेशन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एनिमेशन एक ले लेता हूँ। यहाँ पे अपने अनुसार आप एनिमेशन ले लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे मैं एक एनिमेशन इस पर क्लिक करता हूँ, और इसका टाइम भी यही रहने देना है एक ही पे, और इस पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर एक आपको पेज लेना है। तो पेज लेने के लिए आपको लेयर पे क्लिक करना है, फिर से मीडिया पे क्लिक करना है, और यहीं पे आपको इमेज पे क्लिक करना है इस पर, और यहाँ पे आपको वाइट लेना है, ठीक है। वाइट लेने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉप करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे क्रॉपिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे इसको अपने अनुसार साइज के अनुसार आपको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। यहाँ पे क्रॉप कर लिया मैंने। क्रॉप करने के बाद इस पर आपको क्या करना है, इस वाले लेयर पर आपको नीचे आपको आना है, और लेयर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको रख लेना है इधर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। रखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इस लेयर को इधर साइड करना है आपको, ठीक है। इस पर क्लिक करके इधर आपको साइड कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इमेज पे क्लिक करना है, फोटो इमेज पे, जो इंस्टाग्राम का इमेज है इस पर थोड़ा सा साइज को बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद इस पर फोटो पेज पर क्लिक करना है, और इसको अपने अनुसार साइज को रख देना है यहाँ पे। और रखने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेंड टू बैक पे क्लिक करना है, ये आपका बैक चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। दिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका फॉन्ट चेंज, सॉरी यहाँ पे आपको फॉन्ट लिखना है, जो आपका इंस्टाग्राम का नाम है या जो URL है यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। तो लिखने के लिए यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना URL लिख देना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे आकर आपको कलर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फॉन्ट का कलर चेंज कर देना है। यहाँ पे आपको कलर मैंने वाइट ले लिया, आपको जो अच्छा लगे ले लेना है। लेने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर आना है। आने के बाद यहाँ पे फॉन्ट का, इसका फॉन्ट भी चेंज करना है, इस फॉन्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आपका फॉन्ट हो एंड्रॉयड में, जो आपका फॉन्ट हो वो आप फॉन्ट यहाँ पे ले लीजिएगा। यहाँ से मैं एक कोई फॉन्ट ले लेता हूँ। लेने के बाद इस पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको बड़ा कर दिया कुछ इस प्रकार से, और इसको मैं बीच में रख देता हूँ, यहाँ से मैंने रख दिया। रखने के बाद इसमें भी एक एनिमेशन लगाना है, ठीक है, जो फॉन्ट है ना इसमें भी एक एनिमेशन लगाना है। तो लगाने के लिए यहाँ पे इन एनिमेशन पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आपको नीचे आना होगा, और यहाँ पे इस वाले एनिमेशन को आप लगा देना है। लगाने के बाद इसका टाइम पूरा लास्ट में, दो के लास्ट में आपको कर देना है, कुछ इस प्रकार से स्लो लिखेगा, ठीक है। लिखने के बाद इसको डन कर देना है आपको, इसको पेज पर क्लिक करना है, और थोड़ा सा इसमें भी एक एनिमेशन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एनिमेशन लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला एनिमेशन लगाना, और इसका एक ही रखना है। रखने के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ, और इसमें और काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले डन कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा प्ले करके दिखाता हूँ, और कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, ठीक है। और इस प्रकार भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे भी अच्छा मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना, एक और काम, यहाँ पे आपको फिर से आपको
फोटो पे क्लिक करना है, जो इंस्टाग्राम का लोगो है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे की का ऑप्शन है, इस पर की पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट में आना होगा, सबसे लास्ट में। यहाँ पे मैं लास्ट में आता हूँ। आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्लस पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको राउंड ऐसे घुमा देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। घुमाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे करना है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये हो चुका है। होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में लाना है, यहाँ पे रखना है इसको लास्ट में, ठीक है। रखने के बाद यहाँ पे फिर इसको राउंड ऐसे घुमा देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से घुमाना है और इसको यहाँ पे रख देना है। रखने के बाद मैं इसको फिर से प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से आपको प्ले करके दिखाता हूँ और कुछ इस प्रकार से आपका लिखता हुआ दिखेगा, ठीक है। और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और कुछ इस प्रकार से आप बना पाएंगे। बनाने के बाद इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे अब मैं आपको वीडियो में यूज़ करके दिखाऊंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका डिवाइस सपोर्ट करता हो यहाँ पे आपको क्वालिटी और फ्रेम रख देना है, ठीक है। तो मैं इसको अब यहाँ पे मैं सेव एज वीडियो पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा सेविंग होने लगा है और कुछ ही मिनटों में ही ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद मैं आपको वीडियो में यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे यहाँ से मैं कट करूँगा, बैक आऊँगा। यहाँ से बैक आने के बाद फिर से मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, इसका साइज मैं यही रहने दूँगा और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना ही एक वीडियो में आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले अपना एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने वीडियो पहले से बना कर रखा है। यहाँ पे मैं एक कोई एक वीडियो ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये वाला वीडियो ले लिया। लेने के बाद मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले कट कर लेता हूँ वीडियो को। यहाँ से मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद मैं उसको लाने के लिए, अपना एनिमेशन लाने के लिए यहाँ पे लेयर पे आपको क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका डाउनलोड हुआ होगा फोल्डर में उसको आप सेलेक्ट कर लेना है। मेरा यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया मैंने। करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको क्रोमा की में यूज़ करना है। तो क्रोमा की पहले यहाँ पे नीचे आना होगा, क्रोमा की पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको आपको इनेबल कर देना है, ठीक है। मेरा इनेबल हो चुका है, मैं इसको डन कर देना है। डन करने के बाद इस पर फिर से आपको इस वाले लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका साइज छोटा बड़ा करके जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं, ऊपर लगाना चाहते हैं, बीच में लगाना चाहते हैं, जहाँ लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। तो यहाँ पे अच्छा रहेगा कि बीच में ही लगाते हैं। तो यहाँ से मैंने बीच में लगा दिए, सॉरी नीचे ही लगाना है। तो नीचे लगा दिया मैंने और यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ प्ले करके। तो यहाँ पे मैं प्ले करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आपका देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और कुछ इस प्रकार से आपका एनिमेशन बन जाएगा और आप अपने वीडियो में यूज़ कर पाएंगे कुछ इस प्रकार से। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।